वेलकम बैक टू बैंक ट्यूब। हम सभी को यही लगता है ना कि हमारे मर्जी के बिना अगर हमारे अकाउंट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि एटीएम, पॉस, आईएमपीएस, यूपीआई, और जिसके वजह से हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे पैसे हमें रिवर्स या रिफंड करे। करेक्ट? नो, ऐसे जरूरी नहीं है। इसके पीछे कुछ कंडीशन एंड आरबीआई के रूल्स है जो आपको पता रहना बहुत जरूरी है, वरना आपकी गलती ना होते हुए भी आपको आपकी बैंक पैसे रिफंड नहीं दे पाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपके अकाउंट में हुए अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, यानी कि आपके अकाउंट में बिना आपकी मर्जी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसकी कंप्लेंट कितने दिनों में करनी जरूरी है ताकि आपके पैसे रिफंड आ जाए। कंप्लेंट नहीं करने से कैसे आपको लॉस हो सकता है? बैंक को कैसे पता चलता है कि आपने वो ट्रांजैक्शन किया है या नहीं? कितने दिनों में पैसे रिफंड हो जाते हैं? आपकी गलती है उस ट्रांजैक्शन में तो क्या बैंक पैसा रिफंड करती है? ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आखिर होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर एटीएम से कैश विड्रॉ करना, पॉस मशीन पर कार्ड स्वाइप करना, मोबाइल बैंकिंग ऐप से आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस करना, यूपीआई से पेमेंट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऊपर बताए हुए सभी ट्रांजैक्शन जब आपकी मर्जी के बिना होते हैं तो उसे अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप इसे सरल भाषा में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझो कि रात के 3 बज रहे हैं और आप मुंबई में आपके घर पर चैन से सो रहे हैं, और अचानक आपके फोन पर एक SMS आता है कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है, वो भी गुजरात के किसी एक ATM से। ये एक अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप तो मुंबई में हैं और डेबिट कार्ड भी आपके पास है और ट्रांजैक्शन हुआ है गुजरात में। इट मीन्स किसी फ्रॉडस्टर ने आपके कार्ड का एक डुप्लीकेट कार्ड बना लिया होगा, और शायद उसने आपका पिन भी पता कर लिया होगा, जिसकी मदद से उसने गुजरात में रहकर आपके डेबिट कार्ड से पैसे निकाल लिए। खैर, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरे और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, वो है कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होने पर कितने दिनों के अंदर इसकी कंप्लेन आपको बैंक को करनी होती है, और कैसे डिसाइड होता है कि ऐसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का कंपनसेशन बैंक आपको देगा या फिर आपको ही ये लॉस सहना पड़ेगा। तो आइए इसे हम डिफरेंट सिनेरियोस में समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1, ऐसे अनऑथराइज्ड या फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जहां पर बैंक या बैंक के किसी स्टाफ की गलती की वजह से कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो गया है, तो इस केस में बैंक की गलती मानी जाती है और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर के पैसे जल्द से जल्द लौटाएं, और कस्टमर द्वारा कंप्लेन करने की कोई टाइम पीरियड नहीं है। कस्टमर कभी भी इसकी कंप्लेन बैंक को कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये है मिस्टर केतन, जिनका अकाउंट ABC बैंक में है। ABC बैंक के कुछ स्टाफ ने मिलकर मिस्टर केतन के अकाउंट से फ्रॉडुलेंटली 20,000 रुपए निकाल लिए, तो इस केस में कस्टमर की लायबिलिटी 0 है और बैंक की 20,000 रुपए। और यहाँ कस्टमर एनी टाइम कंप्लेंट कर सकता है, बैंक को तो 20,000 रुपए लौटाने ही है। सिनेरियो नंबर 2, ऐसे अनऑथराइज्ड या फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जहां पर कस्टमर की खुद की गलती की वजह से उसका अकाउंट डेबिट हो गया हो, तो इस केस में कस्टमर की गलती मानी जाती है और बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब तक जब तक कि कस्टमर बैंक को इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट नहीं कर देता। एग्जांपल के तौर पर मिस्टर राजू का अकाउंट XYZ बैंक में है। राजू ने कोई लॉटरी के चक्कर में सामने वाले को अपने ATM कार्ड नंबर, पिन, CVV, OTP सब दे दिया और उसके अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए, तो इस केस में 30,000 की लायबिलिटी कस्टमर की है और बैंक की लायबिलिटी 0 है। यहाँ पर भी कस्टमर एनी टाइम बैंक को इसकी कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन मान लो अगर राजू ने अपना कार्ड ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट बैंक को 7 सितंबर 2022 को दी, और फिर उसके बाद अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। सिनेरियो नंबर 3, ऐसे अनऑथराइज्ड या फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जहां पर ना तो बैंक और ना तो कस्टमर की गलती है, फिर भी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट गए, तो इस केस में कस्टमर की लायबिलिटी है या बैंक की, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर ने आखिर कितने दिनों के अंदर इस ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक को दी। मान लो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के 3 दिनों के अंदर अगर कस्टमर ने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो कस्टमर की लायबिलिटी 0% हो जाएगी और बैंक की 100%, यानी कि उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की भरपाई बैंक करेगा कस्टमर को।
और अगर 4 से 7 दिनों के अंदर कंप्लेंट कर दी तो कस्टमर की लायबिलिटी इस टेबल के हिसाब से तय की जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके टेबल को अच्छे से रेफर कर सकते हैं। और अगर 7 दिनों के बाद कस्टमर ने बैंक को इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बताया तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक लेगा या कस्टमर, ये उस बैंक के कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी पर डिपेंड करता है जहाँ उस कस्टमर का अकाउंट है। अलग अलग बैंक की अलग अलग कंपनसेशन पॉलिसी होती है जो आप आपके बैंक के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह है मिस्टर आशीष जिनका सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है। एक दिन आशीष का अकाउंट अचानक हैक हो जाता है और उसके इंटरनेट बैंकिंग से 7 सितंबर 2022 को 15,000 का एक इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है बिना उसके जानकारी के। अब इस केस में ना तो कस्टमर की गलती है और ना ही बैंक की। तो अगर आशीष डेट ऑफ फ्रॉड ट्रांजैक्शन के 3 दिनों के अंदर यानी कि 10 सितंबर 2022 के अंदर अगर बैंक को इस ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट करेगा तो उसे उसके 15,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो 4 से 7 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करेगा यानी कि बिटवीन 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2022 तो उसे 5,000 तक का ही कॉम्पनसेशन मिलेगा टेबल के हिसाब से। जहां सेविंग बैंक अकाउंट के केस में कस्टमर की लायबिलिटी 10,000 तक होती है और अगर वो 7 दिन के बाद इन्फॉर्म करता है तो आशीष को बैंक के कॉम्पनसेशन पॉलिसी के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलेगा। लास्टली मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताना चाहूंगी इस पॉलिसी से रिलेटेड। फर्स्ट, अनऑथराइज्ड या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की जानकारी कॉल सेंटर, बैंक वेबसाइट, ईमेल, फिजिकल लेटर के द्वारा दे सकते हैं। सेकंड, ऐसे अनऑथराइज्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जहां पर ना तो बैंक की गलती है और ना ही कस्टमर की, तो उस केस में बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट को इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड रखती है, तो आप बैंक में अलग से इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में। थर्ड, RBI के नॉर्म्स के हिसाब से बैंक को डेट ऑफ कंप्लेंट के 90 डेज के अंदर कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करना कंपलसरी है। अगर 90 दिनों के अंदर बैंक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि कस्टमर की गलती है या नहीं तो उस केस में बैंक को कस्टमर के पैसे लौटाने ही पड़ते हैं। फोर्थ, बैंक के पास एक ऐसा सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है जिससे बैंक ये पता कर सकता है कि किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट वाकई में है या नहीं। सो मेक श्योर कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट ना करें जो आपने खुद ऑथराइज्ड किए हो। फिफ्थ एंड द लास्ट, कुछ केसेस में जहां पर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कस्टमर की गलती है फिर भी उस केस में बैंक के हायर ऑथोरिटीज की पावर होती है कि वो कस्टमर के पैसे रिफंड कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड अपॉन केस टू केस। तो इसी के साथ में ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आज के टॉपिक से रिलेटेड सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट RBI मास्टर सर्कुलर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।